अगर आपको पत्ता गोभी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपका पत्ता गोभी की सब्जी से प्यार हो जाएगा और ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो प्याज लंबे कटे हुए, धनिया पत्ता और पत्ता गोभी डाल देंगे इस तरह लंबे कटे हुए। तो हरी मिर्च को डाल देते हैं, प्याज को डाल देते हैं, धनिया पत्ता डाल देंगे और पत्ता गोभी को डाल देंगे। तो पत्ता गोभी को मैंने इस तरह लंबे लंबे में काटा है, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। फिर इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच डाल देंगे और सभी मसाले को अच्छे से मिला देंगे। पहले हमें मसाले को अच्छे से मिला देना है। फिर इसमें हम 1/4 कप बेसन डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है, तो नमक डालने के बाद इसमें पानी छोड़ेगा। तो पहले हमें अच्छे से बेसन को कोट कर लेना है। ये देखिए अच्छे से बेसन को हमने कोट कर लिया है। तब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए और ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। मिक्सर तब एक तवा गरम करेंगे गैस पे, इसमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। फिर इसमें हमें अच्छे से इस पत्ते गोभी के मिक्सर को डाल देना है और एक चीले के जैसा बना लेना है। आप चाहे तो बड़ा चीला के जैसा बना सकते हैं, मैं छोटा छोटा जिस तरह पैनकेक होता है उसी तरह नाश्ते को बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह फैला देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे और एक साइड से हमें इसे अच्छे से सेट होने देना है। फिर हम इसे पलट के दूसरे साइड से भी पका लेंगे। एक साइड अच्छे से सिक चुका है तो इसे पलट के दूसरे साइड से भी पका लेंगे और दोनों साइड से पलट पलट कर हमें अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए एक हमारा पत्ता गोभी का नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम सेम प्रोसेस से बाकी के नाश्ते को भी बना लेंगे। तो ऑयल को अच्छे से तवे पर ग्रीस कर देंगे, इस तरह मिक्सर को फैला देंगे और इस तरह सेक लेंगे। तो ये देखिए हमने नाश्ते को अच्छे से सेक लिया है। तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और ये हमारा मजेदार सा बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं और यकीन मानिए इस रेसिपी को बनाने के बाद आपको पत्ता गोभी बहुत पसंद आने वाला है। और आप डेली इस रेसिपी को बनाइएगा, इसे शाम के नाश्ते में बनाइए, सुबह के नाश्ते में बनाइए या बच्चे को टिफिन में दीजिए, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।